हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो ड्राइवर के पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती आई हुई है। इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है। इस भर्ती में आपको टोटल वैकेंसी दी गई है 300 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। और इस भर्ती में आपको कोई हाइट, कोई आपकी रनिंग भी नहीं होगी। और अगर आप 8th पास है, यानी कि अगर आपने 8वीं पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और जो आपको आवेदन करना होगा ऑनलाइन मोड से इस भर्ती में आवेदन करना होगा। और सबसे बड़ी बात जो इस भर्ती की होगी, इस भर्ती में आपको कोई लिखित परीक्षा भी नहीं होगी, यानी कि बिल्कुल सीधी भर्ती यहाँ पर आपके लिए आई हुई है। और जो आपको आवेदन करना है ऑनलाइन मोड से इस भर्ती में आपको आवेदन करना होगा। तो आज मैं स्टूडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, प्लस आपको इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है और किस प्रकार से अप्लाई करना है ये बताऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आज क्वेश्चन होगा ये आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री है ए अशोक गहलोत, बी योगी आदित्यनाथ, सी अरविंद केजरीवाल, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको राइट आंसर लगा हो नीचे यार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यार इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता कर जाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो वैकेंसी दी गई है यहाँ पर ड्राइवर की, इसमें वैकेंसी आई हुई है आपको यहाँ पर इसमें दिया गया है। आपको यहाँ पर पे स्केल के बारे में बताया गया है 25,924 रुपये रहेगा। 300 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई, UR, SC, ST, OBC सभी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। और 8वीं पास से इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको बताऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो में बने रहना है। और अगर आपने तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो एक रिक्वेस्ट जरूर होगी कि यार एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी। जो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है तो टोटल आपको यहाँ पर 300 पोस्ट मिलेगी। टोटल जो पोस्ट नेम है ड्राइवर की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के हम पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। 22,700 लेकर 25,924 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसमें आपको फुल डिटेल के साथ बताया गया है, आपको यहाँ पर से मेंशन किया गया है। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती में फिजिकल डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई हाइट, कोई रनिंग नहीं होगी, यानी कि बिल्कुल सीधी भर्ती यहाँ पर आपके लिए आई हुई है। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के हम एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके एज 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको उसमें 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के हम एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 160 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपके लिए इसमें कोई फीस नहीं रहेगी, बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे अगर आप SC ST कैंडिडेट है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा यहाँ पर 8th पास होना अनिवार्य है, यानी कि 8वीं पास होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बता दूंगा। जो फ्रेंड्स इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो ड्राइविंग टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा आपकी नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करते तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर तो आपके लिए कंपलसरी रहेगा, प्लस आपके पास यहाँ पर 8th की डिटेल, यानी कि अगर आपने 8वीं पास किया हुआ है तो आपको वहाँ पर उसकी सभी डिटेल देनी होगी। डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ और आधार कार्ड तो आपके पास होना अनिवार्य, यानी कि आधार कार्ड या फिर ID प्रूफ आप इनमें से एक होना अनिवार्य। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें पर 20 फरवरी 2020 से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 4 मार्च 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लस आपको फर्स्ट कमेंट में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आपको यहाँ पर आना होगा। सम इम्पोर्टेंट लिंक्स, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मैं अपनी स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन दिखाया था ये आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपको फुल डिटेल के साथ बताया हुआ है। 8वीं पास होना अनिवार्य, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य, दो चीज़ यहाँ पर कंपलसरी है। 300 वैकेंसी आपको यहाँ पर इसमें दी गई है, यहाँ पर इसमें एज के बारे में बताया, 40 ईयर के बीच में अगर आपकी एज होना अनिवार्य यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने यहाँ पर क्लिक करें, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट बोलेंगे भाई फेक है, तो फेक के लिए अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर फेक वालों के लिए आपको यहाँ पर इसमें नीचे आ जाना है, जहाँ पर लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट, आपको यहाँ पर इसमें ड्राइवर की जहाँ पर पोस्ट दी गई आपको उस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने वही नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और अप्लाई भी आप यहीं से कर पाएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसी वेबसाइट पर आना है और आने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पर लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इस भर्ती का आवेदन भी अप्लाई कर पाएंगे। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर इसका ऑनलाइन आवेदन करने का पोर्टल। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना है, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो में 500 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।